नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से है, जहां गुड़ामलानी पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर दो अपराधों में वांछित इनामी अपराधी एवं सहयोगी तथा चार जिंदा कारतूस सहित बिना नंबर के वाहन को जब्त किया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सूरजाराम जाखड़ ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद के निर्देशानुसार अवैध हथियार व अन्य किसी मामले में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाकाबंदी की जा रही है। इस दौरान मुखबिर के जरिए से सूचना मिली कि क्रेटा गाड़ी में दो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके पास अवैध हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई। नाकाबंदी के दौरान क्रेटा गाड़ी आते दिखाई दी, गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, लेकिन आरोपी गाड़ी को भगाकर बोडली सरहद की ओर लेकर भागे। पुलिस ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए क्रेटा कार का पीछा कर वाहन से कुंभाराम पुत्र उमेदाराम जाति जाट निवासी मंगले की बेरी व उनके सहयोगी रमेश कुमार पुत्र रघुनाथ जाति विश्नोई निवासी बोडली गुड़ा मलानी को गिरफ्तार किया। वहीं बिना नंबर की वाहन तथा वाहन से एक पिस्टल एवं चार मैगजीन जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के दौरान हेड कांस्टेबल मूल सिंह, श्याम दानचारण, चेतन कुंभाराम, रमेश कुमार, इमरताराम नाथू सिंह सहित पुलिस का जाप्ता सात्रा। गुड़ामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। सर, ये क्या कार्रवाई है? आगामी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब द्वारा अवैध मादक पदार्थ, आबकारी मदिरा सप्लाई एवं अवैध हथियारों की संभावना को देखते हुए कार्रवाई करने के वक्त बताया गया था। इसी क्रम में कल शाम को मेरे द्वारा में जाप्ता द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी, तभी मुखबिर इतना मिली कि एक सफ़ेद क्रेटा कार बिना नंबरी जिसमें दो व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और जिनके पास हथियार हो सकते हैं, तो उनकी मुखबिर इतला के अनुसार उनके दस्तावेज के प्रयास किए गए और सफ़ेद क्रेटा कार से दो व्यक्तियों को दस्तयाब कर उनसे एक पिस्टल में मैगजीन चार जिंदा कारतूस उनको बरामद किए गए। इस बरामदगी में एक मुलजिम कुंभाराम सनोप उमेदाराम पिछले दो साल से एनडीपीएस के प्रकरणों में वांटेड था, जिसके पुलिस थाना आरजीटी में दो प्रकरण एनडीपीएस के अंतर्गत दर्ज हैं और जिसपे 5,000 का इनाम भी घोषित है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।